जी आप क्या कहेंगे? सांस ले लें क्योंकि फिर आपको मेरे पर ऊंचा बोलना है। नहीं नहीं आपको बिल्कुल नहीं, आप माशाल्लाह जिस तरह कंडक्ट करते हैं और जिस तरह मैंने आपकी स्टोरीज देखी हैं और जानते हैं सारे भी। देखिए बात यह है कि मालिक साहब का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो टेक्निकल बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे होंगे। देखिए हमारे दौर में जो तरबेला या मंगला अपलिफ्ट हुआ था और उससे जो सिस्टम में ऐड हुई थी बिजली, कुछ ना कुछ हर हुकूमत करती रही, मगर वो हुकूमत जो बहुत कुछ कर सकती मगर के साथ वो अयूब खान का डैम था जी तरबेला। एक मिनट, जो ऐड हुआ ना वो भी अपना मुशर्रफ ने किया था। मैं अब एक बात तो कर लूँ ना, अयूब खान तो चले गए थे ना, मैं तरबेला मंगला दोनों फौजियों ने बनाए थे, बात कर रही हूँ जिसे मैं तो खुलकर बात कर लूंगा, मुझे भी खुल के कर लूंगी, मुझे भी कोई नहीं है। जरदारी साहब फिर मारेंगे, आप बात आप करेंगी, मुश्किल जरदारी साहब को नहीं, नहीं है। मैंने कहा मैंने अंदर भी अल्लाह को याद करना है, बाहर भी अल्लाह को याद। सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि ये बात ठीक है, आपको जैसे टेक्निकल पॉइंट पे मालिक साहब बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने तो अभी पहले ये कहा ह्यूमन राइट के ऊपर फिक्स हुए हैं, टेक्निकल पॉइंट पे नहीं हुए। देखें मुबशर, मैंने तो कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा लें, गवर्नमेंट की ऑफिस सब बिठा लें, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, जो इसके इश्यूज हैं डिस्कस कर लें। और अभी फिलहाल जिस डैम के बनाने की तरफ हम जा रहे हैं, जो हम पहले उसको कंप्लीट कर लें, फिर और भी बड़े छोटे डैम्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे सिस्टम में बिजली ऐड हो सकती है। मैं ये समझती हूँ, मैं बिजली की बात नहीं कर रहा, मैं पानी की बात कर रहा हूं। मैं सिस्टम में देखिए पानी बिजली हम कट्टी बात कर रहे हैं ना, जो 2008 में सैलाब आया था बहन मेरी, 2008 में जो सैलाब आया था उसमें कितना पानी आया था, कितना पानी आया था? 1.9 कालाबाग की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? मलिक एक सेकंड, कालाबाग की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? देखिए 1.6, इतराज क्या है? यानी आप अपने एसेट को अपनी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। मुबशर साहब इतराज, मैं तो कहती हूँ जैसे उन्होंने कहा और हम तो और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कंसेंसस होते, मैंने तो यही सुना था उन्होंने कहा हो जाए सारे बैठे बना लेना। और मेरे बादशाहत, बादशाहत कोई नहीं हमारी पार्टी में, नहीं। और एक मिनट और क्या है, खुदा के लिए आप तो माँ बाप जाते हैं तो औलाद आ जाती है, ऐसे बड़ी बादशाहत क्या होती है? पूरी दुनिया में और बादशाहत क्या होती है? देखें पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं। आप अपनी पार्टी की बात करें, बांग्लादेश में आप अपनी औलाद आ गई, बीबी अपनी पार्टी की बात करें, औलाद आ गई, जिस आदमी माँ बाप गए औलाद आ गई, अपनी पार्टी की बात करें, बात ये होती है। अगर आपका बेटा एंकर बन जाता है, डॉक्टर का मालिक बेटा यहाँ पे नहीं बनेगा ना, पढ़ाई का डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई तालीम के कोई वकील नहीं बनेगा। एक नया दौर शुरू हुआ है इस मुल्क में, इमरान खान साहब की ओथ थी और उनके दो बरसों दौरान आना चाहते थे, उन्होंने नहीं आने दिया, वो अब आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये इंप्रेशन ना मिले कि वही खानदानी सिस्टम आगे चलेगा जी। मालिक बस कर दें, मालिक सर मेरी नहीं चाहती आप बात करें, मैं क्या करूं? देखे मालिक साहब बिल्कुल आप बात करें, लड़ा रहे हैं आपको मुझसे। बोले मुबशर देखे, इसलिए कंसेंसस कभी नहीं होगा जी, इसलिए कंसेंसस नहीं होगा, जिन गवर्नर से परफॉर्म किया होता है, जिन लीडर से परफॉर्म किया होता है ना, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ ना हो वो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि जज्बात उभारो, लोगों को पीछे लगाओ, पढ़ी लिखी बात की है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड करो। और ये चीजें आप इनके तमाम दाई देख लें जो लोग हैं, अपने अचकजई साहब रिजेक्टेड बाय ओन पीपल पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, अपने मौलाना साहब रिजेक्टेड बाय पीपल पॉलिटिक्स ऑफ हेटेड एंड डिवाइसिवनेस, अपने असवंदार वाली साहब रिजेक्टेड बाय पीपल पॉलिटिक्स डिवाइसिवनेस, आपकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी जो कि मैंने रीजन आपको अलहदा बता दिए, ये लोग क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं तो इन्होंने लोगों को किसी कोई तो सुर लगा के अपने पीछे लगाना है ना, तो पॉलिटिक्स ऑफ हेटेड हमेशा इजी होती है, ब्लेम इट ऑन हिम, ब्लेम इट ऑन दैट, ये इमिग्रेंट आ गया आपकी नौकरियां चली जाएंगी, पठान आ गया आपका कारोबार ले जाएगा, ये है रीजन।